कोई ट्रेंड की बात। अब फटाक से बात कर लेते हैं हाउ टू चूज टाइम फ्रेम, ये तो छोटी सी बात है कोई। तो टाइम फ्रेम के दो तरीके हैं पिकआउट करने के। एक तो पहली बात ये है कि आप आपका पेशेंस कितना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि यार मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ, इतना एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यार मतलब अगर मैंने डायरेक्शन सही से आइडेंटिफाई कर ली तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेके जाऊँ ना, छोटे से मैं क्यों रह जाऊँ, जब मैं सही हूँ तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊँ। That is how I think about it, right? तो मुझे रहता है कि मुझे एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा ट्रेड करना, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी बड़ी मूवमेंट है भाई। 5 मिनट में 10% मतलब ऐसे हो सकता है, पर 5 मिनट में 10% तो नहीं गिर सकता है बिटकॉइन, मतलब बहुत कम चांसेस है, वर्सेस मतलब हफ्ते भर में 10% बहुत इजीली गिर सकता है। तो मैं डेली या फिर हफ्ते भर पे ट्रेड करूंगा क्योंकि मुझे 10% कमाना है, राइट। वर्सेस अगर आपको ये लगता है कि यार मैं तो यार पेशेंस उतना नहीं है, या मुझे लगता है कि यार रिस्क क्यों लेना है, ट्रेड ओपन क्यों छोड़ो, मेरे को रात को सोने के पहले अपना ट्रेड बंद कर देना चाहिए, या मेरे को ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिट आ तो गया है, काय को रिस्क लो, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। सबका अपना तरीका होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई अच्छा या बुरा टाइम फ्रेम नहीं होता है। अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स छोटे छोटे लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉफिट्स लेना चाहते हो, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे जैसे हो कि महीने में 2-3 ट्रेड लेने, लेकिन बड़ा ट्रेड करना है, आपका पास उतना पेशेंस है, आपके पास एक वो मतलब, और दूसरा थोड़ा टाइम का भी है। जैसे मैं रोज सुबह उठ के ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है, जैसे हम ये यहाँ पे काम करते हैं, राइट। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो आप इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम आपके पास कितना है, आपका मतलब सॉरी टाइम कितना है आपके पास अवेलेबल, आप कितने बिजी हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है पहली चीज। तो दूसरी चीज मार्केट की वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब कि जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना वो चौपी रहता है, राइट। क्योंकि छोटी 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 मूवमेंट तो वैसे भी आती है। जैसे मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, ये देखो ये जो अभी का है, ये जो अभी का नहीं सॉरी दिसंबर 2020 का जो टाइम है, उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियरली द प्राइसेस आर गोइंग अप शार्पली, राइट, एक्सेप्ट दिस पुल बैक हियर एंड दिस पुल बैक हियर, कोई पुल बैक ही नहीं था 1.5-2 महीने। वर्सेस अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, वही दिसंबर 2020 सेम टाइम फ्रेम, दिसंबर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत आगे आ गए, ऑब्वियसली 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, तो आई हैव टू गो बैक, आई एम जस्ट टेकिंग अ मिनट टू गो बैक। अभी तक तो हम जून पे पहुंचे हैं, डूड बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अरे तो डेली कर लो फिर, शायद पीछे कर लो फिर 5 मिनट कर लेना। वैसा नहीं होता, वो रीसेट हो जाता है। अबे यार नहीं आया, वो लोड नहीं होगा उतना। हां नहीं होता है लोड, पर वो टाइम लगाएगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का एपीआई है। बट एनीवेज चलो वो छोड़ो, आज ही का देखते हैं। इनफैक्ट इट इज बेटर आज ही का देखते हैं ताकि रियल टाइम में समझ में आए। देखो ये देखो ये देखो ये 15 जून से 22 जून, ये देखो This was a clear red time, right? मतलब market was bearish. ये जो हफ्ता था ये पूरा red था, बहुत जोर से गिरा। अब इसको अगर हम 5 मिनट में देखें, 15 जून से देखो, अब इसमें तो इतना तो पीछे जा ही सकते, कम ऑन। ये हम आ गए 2 जुलाई पे, दो हफ्ते और पहले जाना, 27 जून, हाँ यार ये हम आ गए 24 जून पे, हम पहुंच गए 22 जून, ठीक। 15 जून से अगर हम 22 जून का जो हम देख रहे थे, ये रहा 16 जून और ये रहा 15 जून, ठीक है। ये जो हमने डेली चार्ट में 3-4 कैंडल में देख लिया, उसका 5 मिनट पे ये देखो इतना बड़ा ट्रेंड है, इतना बड़ा, ठीक है। ये इतने बड़े ट्रेंड को हमने 3-4 कैंडल में देख लिया था डेली पे। नाउ क्लियरली यहाँ पे भी प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी गया था भाई, डेली में गिर रहा है तो 5 मिनट में भी गिरेगा। पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे चौपीनेस ज्यादा है। ये देखो वहां पे आप अगर डेली पे इसी को देखोगे तो आपको लगा एक छोटी ग्रीन कैंडल के सिवाय सब रोज रेड दिखेंगे, रोज रेड दिखेंगे, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी। पर यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल सी दैट प्राइसेस आर इक्वली, देखो ये देखो ये ऊपर गया फिर शार्पली नीचे आया, ठीक है, फिर वापस और नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ये देखो ये 2-3 दिन, फिर इट वेंट बिट साइडवेज, फिर ये देखो बढ़ता चला गया तीन, मतलब ये कुछ कुछ घंटों तक ये बढ़ता चला गया प्राइस, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, देन इट वेंट और भी नीचे गया,
राइट, फिर वापस बढ़ा, ये देखो तीन चार कैंडल्स में फिर वापस बढ़ा, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, राइट, देन लुक एट दिस, दिस वाज अ शार्प फॉल, राइट, और अब देखो ये एंड एंड में, एंड एंड में ये वापस बढ़ने लगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, अगर आप नए हो ना तो ये वोलेटिलिटी काफी बार आपको डरा देगी या यू विल फील अनकंफर्टेबल, राइट, नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, इट इज जस्ट दैट बाय डिजाइन द हायर टाइम फ्रेम्स आर बिकॉज दे आर स्लो। भाई एक डेली कैंडल बनने में तो एक पूरा दिन लगता है, ये देखो दिस वॉज जो हमने इतना zigzag देखा था, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, वो इतने से में आ गया, समा गया बस, दैट इज वॉट आई एम सेइंग। वही अगर आप डेली पे बिना ज्यादा इंट्राडे मॉनिटर करे शॉर्ट कर देते तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे ट्रेड मिल जाता, प्रॉफिट मिल जाता, वर्सेस अगर आपने इसको मतलब 5 मिनट के हिसाब से देखोगे ना तो वो बढ़ेगा घटेगा कम होगा बढ़ेगा वापस गिर जाएगा फिर बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। सो द टू वेज टू डिसाइड योर टाइम फ्रेम इज, वन, हाउ मच टाइम डू यू हैव, अगर आपके पास मेरे जैसे थोड़ा कम टाइम है तो आप ऐसे टाइम फ्रेम पे टाइम लो जो आप बड़े ट्रेड ले सको, कम ट्रेड लेने पड़े, या फिर अगर आपके पास आप फुल टाइम करते हो तो आप यू कैन डू इंट्राडे व्हाटएवर इट इज। द सेकंड थिंग इज योर मतलब बिहेवियर ऑल्सो, लाइक योर नेचर ऑल्सो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना, ट्रेड ओपन नहीं रहने देना, आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको लगता है कि यार ठीक है मैंने ट्रेड लिया तो मुझे बड़ा प्रॉफिट ले जाना है, मैं वेट कर लूंगा पेशेंटली, तो आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, राइट। सो आपके बिहेवियर पे और आपके पास कितनी टाइम अवेलेबिलिटी उस पर यू कैन डिसाइड वॉट टाइम फ्रेम यू वॉन्ट टू ट्रेड। द सेकंड थिंग इज बाय डिफॉल्ट बिकॉज द हायर टाइम फ्रेम इज स्लो, हायर टाइम फ्रेम स्लो होता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बनता है, तो चॉपीनेस या फिर वोलेटिलिटी कम होती है यूजुअली। अब 19th मई में ऐसे जो धड़ाम से गिर जाता है वो अलग बात है, बट इन जनरल वोलेटिलिटी कम होती है, राइट, वर्सेस 5 मिनट पे 1 मिनट पे 15 मिनट पे वो ज्यादा होती है। तो अगर आप बिगनर हो तो मेरा ये एडवाइस है पर्सनली कि आप बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो ताकि आपको एक आदत लग जाए, आपको उतना पैनिक और प्रेशर क्रिएट नहीं हो, और 5 मिनट पे फिर आप या 15 मिनट पे आर्ली पे जिस पे आप स्विच करना चाहते हो आप कर सकते हो जैसे जैसे आपको आदत लगती है। क्योंकि अगर आप शुरू ही 5 मिनट से करोगे ना तो फटाफट बढ़ेगा फटाफट गिरेगा, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी के मरीज हो जाओगे आप 5 साल, कोई फायदा नहीं इफ यू ट्रेड विद अ बिगर कैपिटल, दैट इज राइट। दैट इज व्हाई इज एज अ बिगनर आई रेकमेंड पीपल टू स्टार्ट विद अ हायर टाइम फ्रेम, एंड देन इफ दे फील कंफर्टेबल दे शुड स्विच टू अ लोअर वन। आई नेवर फेल्ट, मैंने 5 मिनट 15 मिनट पे भी कोशिश करी, मेरे को अपना ये देखो ये कॉफी ऐसे पीते पीते ट्रेड करने में मजा आता है तो मेरे को नहीं करना है वो कि बीपी बढ़ रही है कॉफी ठंडी हो जाए, अभी तो हो गई ठंडी और ट्रेड करते करते ठंडी नहीं हो, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू अटेम्प्ट। सो दैट इज व्हाई आई स्टिक टू अ हायर टाइम फ्रेम, आपको कंफर्टेबल फील होता है आप छोटे पे आ सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू पिक टाइम फ्रेम एंड व्हाई वी चूज डेली, डेली इसीलिए जैसा मैंने बताया कि वोलेटिलिटी कम रहती है, आप इजिली कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबली आपको फील होता है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अरे वो मौलिक का क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द रिलेटिविटी विद वॉल्यूम, समटाइम्स द कैंडल इज ग्रीन बट वॉल्यूम इज जीरो, एकदम ही चेंज हो जाता है। आई थिंक ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है, आज हम नहीं करना चाहिए हमको, नहीं तो लोगों को मिक्सअप हो जाएगा। तो मौलिक हम टेलीग्राम पे बात कर लेंगे या फिर कभी किसी सेशन में, ऐसा जब नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू नॉनस्टॉप फ्रिश फॉर सुपर स्टिकर, सुपर स्टिकर। अब यार सुनिश एक और चीज, पुल बैक भी बता दो कि पुल बैक के लिए कहां तक मतलब पहुंचना चाहिए। देखो पुल बैक और रिवर्सल्स की बात, अगेन थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस कॉन्सेप्ट, ओके, बिकॉज उसके लिए ना ट्रेंड का और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट ठीक है कोशिश कर सकते हैं, पर फिर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ना रह जाए मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब आने वाले 5-10 मिनट और है। सुनो पुल बैक बाद में कर लेना, पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस चलो, वो ज्यादा है। पुल बैक और रिवर्सल्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब, क्योंकि वेदर विल इट बी अ पुल बैक और अ रिवर्सल, वो मतलब डिसाइड करना मुश्किल होता है। ओम प्रकाश बोल रहा है, टेलीग्राम आईडी डाल दो, कोई तो चैट डाल देगा, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, स्क्रीन पे लिखी तो है, पर आप एक बार लिंक नितिन यू कैन पुट और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है।
चलो अब